तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। हमेशा रहता रहता आज की इस नई वीडियो में, जहाँ पे कुछ इस टाइप का जो आपके अगर फोटो कुछ इस टाइप से ड्रैग होती है जब क्लिक करते हैं आप फोटो में, तो आज की इस वीडियो में आपको यही इस तरह का जो फोटो आप कैसे जो इस टाइप से बना सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको यही कुछ बताने वाला हूँ। अपने जो एक डार्क नॉर्मल फोटो का आप कैसे कुछ इस टाइप से आप अच्छे तरीके से आपको एडिट कर सकते हैं अपने फोटो को। तो सिंपली क्या करना है, उसके लिए आपको वीडियो फुली वॉच करना है। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर नोटिस ऑल में करना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड गाइस, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के। तो जैसे कि देख ही सकते हैं गाइस, जो मैंने जो अपने मॉडल का फोटो स्नैपसीड ऐप में ओपन किया है, एंड स्नैपसीड ऐप में ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो पेन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करना है, इधर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपको जाना है ट्यून इमेज में। एंड ट्यून इमेज में जाने के बाद इसका जो सबसे पहले जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है गाइस, इसका आपको फुल कर लेना होगा, ठीक है ना, फुल कर लेना होगा, ठीक है ना। अब आपने फोटो के हिसाब से करना, ठीक है ना। मैंने फुल किया हूँ। एंड उसके बाद इसका जो है आपको एम्बियंस को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लगभग 25 या 30 का रखना है। एंड डन कर लेना होगा। एंड डन करने के बाद अभी से देखने का बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा फर्क हो रहा है अभी से, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको इधर क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको इस फोटो का आपको क्या करना, फोटो का आपको सेव कर लेना होगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको थिएटर में क्लिक करना है, एंड इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है ना, शेयर वाला ऑप्शन में। एंड फोटो को सेव कर लेता हूँ। एंड फोटो सेव होने के बाद फोटो को ओपन कर लेना लाइट रूम के अंदर। तो चले चलते हैं लाइट सेव के गैस। फोटो को जो है लाइट रूम का प्राइम वर्सन ओपन कर लिया हूँ। एंड गैस, जिसके पास लाइट रूम का प्राइम वर्सन है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना लाइट रूम का प्राइम वर्सन। एंड ओपन करना है, सबसे पहले आपको ऑटो वाला टूल में क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक लाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा फोटो का एक्सपोजर को इंक्रीज करना है। एंड इसके बाद उसका हाईलाइट को आपको फुल डिक्रीज करना होगा, ओके। एंड इसका जो शेडोस है शेडोस को आपको फुल इंक्रीज करना होगा, ओके। एंड इसका ब्लैक को आपको डिक्रीज, एंड इसका व्हाइट को हल्का सा इंक्रीज करना है, ठीक है ना। एंड उसके बाद आपको जाना है कलर वाला ऑप्शन में, उसके बाद मिक्स। एंड गैस, अगर आपको लाइट रूम का मिक्स टूल यूज़ करना नहीं आता, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर लेना उस वीडियो को, ठीक है ना, कैसे जो लाइट रूम का मिक्स टूल यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद सबसे पहले जो सेकेंड कलर फेस का कलर, सिंपली आपको सेचुरेशन डिक्रीज करना है फेस को व्हाइट करने के लिए। एंड इसका लूमिनस को आपको इंक्रीज कर लेना, जितना आपको फेस व्हाइट चाहिए आप कर लेना, ठीक है ना, आप अपने फोटो के मुताबिक से करना, ठीक है ना। एंड उसके बाद जो येलो कलर है, येलो कलर का आपको ह्यू को इंक्रीज करना। एंड जो आपको ब्लू कलर मिलता है इसका भी आपको ह्यू को इंक्रीज करना है। एंड इसका सेचुरेशन हल्का सा इंक्रीज करता हूँ। एंड उसके बाद आपको डन करना होगा। एंड डन करने के बाद आपको जाना है इफेक्ट वाले टूल में, फोटो के अंदर आपको देना है थोड़ा सा टेक्स्चर क्लियरिटी एंड बिगिनर देना, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से देना। एंड उसके बाद आपको इस वाला ऑप्शन में जाकर फोटो के अंदर शार्पनिंग देना, डिटेल्स देना, नॉइस रोटेशन एंड जो है डिटेल्स को फुल, एंड कलर नॉइस में जाके आपको इसका भी डिटेल्स को फुल एंड स्मूथनेस को फुल कर लेना होगा। एंड करने के बाद आपको फिर से कलर वाला ऑप्शन में जाना है, इसका वाइब्रेशन आपको इंक्रीज कर लेना होगा, ओके। एंड करने के बाद आपको इधर कुछ भी नहीं करना होगा, सिंपली आपको क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। एंड उसके बाद आप फोटो का आपको शेयर कर लेना, आप फोटो कर लेना आपको सेव टू डिवाइस। एंड गाइस, फोटो सेव होने के बाद इसी फोटो को जो है ओपन कर लेना आपको स्नैपसीड ऐप में। तो चलते हैं, देख ही सकते हैं मैंने जो दोबारा से स्नैपसीड ऐप में अपने मॉडल का फोटो को ओपन कर लिया हूँ। एंड ओपन करने के बाद आपको पेन वाला ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इधर जाना है, आपको लेंस वाला ऑप्शन में, लेंस ब्लर में क्लिक करके आपको सब्जेक्ट अपने मॉडल के ऊपर फोकस रखना है। एंड रखने के बाद आपको डन करना होगा। एंड डन करने के बाद ऊपर जो आपको ऑप्शन मिलता है इसका व्यू एडिट्स में जाना है। एंड उसके बाद आपको व्यू एडिट्स में क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको लेंस ब्लर में टैप करना है। उसके बाद थर्ड जो बीच वाला ऑप्शन है ब्रश वाला, उस पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने इधर जो ऑप्शन मिलता है आपको इसका, आपको इसको जो जीरो कर लेना होगा, ठीक है ना, इसको इन्वर्ट करके जीरो कर लेना होगा। एंड इसको जीरो करने के बाद आपको अपने जो है सब्जेक्ट के ऊपर से आपको इसको रिमूव कर लेना ब्लर को, ठीक है ना, हमको सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर से, इसलिए इसको आराम से जो है इसको रिमूव कर लेना, ठीक है ना। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, तो आपको ईजिली अपने आराम से टाइम दे करना, आपको टाइम दे करने से आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगी, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से करना होगा, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू कुछ इस टाइप से कर लेना होगा। एंड करने के बाद आपको डन करना होगा। एंड डन करने के बाद आपको लेंस वाला ऑप्शन क्लिक करना है। एंड इस बार आपको सेटिंग वाला ऑप्शन टिक करना है। एंड उसके बाद इसका आपको ट्रांजिशन जीरो करना है। इसका बिग नाइट को आपको इंक्रीज कर लेना, ठीक है ना, फुल करना आपको अपने फोटो के हिसाब से आपको कर लेना होगा। एंड करने के बाद आपको डन करना होगा। एंड डन करना है तो आपको जाना है पेन वाला ऑप्शन में, उसके बाद आपको जाना है सेलेक्ट टूल में। एंड उसके बाद आपको इस टाइप से क्लिक करके आपको अपने फेस को जो व्हाइट कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा फेस को व्हाइट कर लेता हूँ, कर लिया हूँ। एंड डन करना, एंड बिफोर एंड आफ्टर
ओके एंड गाइस, जो मैंने जो इस मॉडल का फोटो को एडिट करने के बाद जो फेस स्मूथ एंड जो हेयर एडिटिंग किया था वो किया था ऑटो स्केच बुक में। तो वो अभी आज वो यदि आपको इस वीडियो में देखा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, कैसे हेयर एडिट कर सकते हो एंड फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो ऑटो स्केच बुक के अंदर। तो सभी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना इस वीडियो को। ओके, तो आज का जो हमारा कंटेंट था पूरी तरह कम्प्लीट हो गया। आई होप अच्छा कौन सा आपको पसंद आया तो वीडियो कर देने को लाइक, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना एंड नोटिफिकेशन ऑल में करना ताकि मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन गाइस मुझे इंस्टा फॉलो कर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।